सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए ने हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की है मांग। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुनवाई करेगी। आज कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें तन्मय शर्मा समेत 20 छात्रों की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर पटना में नीट परीक्षा के दौरान अनियमितता का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कहा की रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं एक और बड़ी खबर है, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द की गई। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 18 जून को देश भर में हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने रद्द की परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा अब दोबारा होगी। यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नीट की तरह ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी शुरू है। कांग्रेस और आप ने बीजेपी पर हमला करते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द होने पर एनएसयूआई ने सरकार से सख्त एक्शन की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। फिर कर रहा हूं, जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक की संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारे मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें। और प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 21 जून को श्रीनगर से योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम। पीएम मोदी आज शाम श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचेंगे। यहां वो एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जे एंड के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम जम्मू कश्मीर में विकास की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वो लोगों को संबोधित करेंगे और फिर योग सत्र में भाग लेंगे। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी। धान की एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपए की गई, रागी की एमएसपी बढ़ाकर 4290 रुपए की गई, उड़द की एमएसपी बढ़ाकर 7400 रुपए की गई। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। धान का एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपए किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया। दैट एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए कॉस्ट की। धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीस डिक्लेयर किया गया है। और मोदी सरकार थी पॉइंट ओ की। बुधवार को हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से 4 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। सरकार ने वाराणसी में एयरपोर्ट के विस्तार का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र में पालघर के वधावन पोर्ट पर सरकार 76,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा 7,453 करोड़ रुपए की
ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनेगी, जहां 9000 छात्रों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार करते हुए एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा। इस पर 2870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। इसमें देश में फ्री राशन योजना बंद करने की मांग की गई है। बीजेपी नेता ने पीएम से कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की तैयारी में है, इसके बावजूद इस तरह के मतदान ने हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया है, इसलिए फ्री राशन देना बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट डालने वालों को ही राशन लेने का हक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाए। जिन्होंने मतदान दिया है, जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया है, उसको ही राशन दिया जाना चाहिए। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसकी वजह जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 समितियों का गठन किया है, उसमें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चव्हाण, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी को दी गई है। छत्तीसगढ़ की समिति में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी हैं। इसी तरह ओडिशा में हार के कारणों को तलाशने की जिम्मेदारी अजय माकन और तारिक अनवर को दी गई है। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह पीएल पुनिया और रजनी पाटिल बताएंगे। चुनाव में इन तीनों प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। उन्नाव से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी नेता साक्षी महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान साक्षी महाराज मीडिया से रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि हार की वजह का पता लगाने के लिए पार्टी को मंथन करना चाहिए। पर मैंने पार्टी से आग्रह किया है पूरे प्रदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है, कमी कहाँ रह गई। जिस तरह से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पूरी ईमानदारी से जो काम किया, तो लोग जातीयता में बह गए। और यूपी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह के वाहन से हूटर हटवाने के दौरान बहसबाजी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता पुलिस पर ही सवाल खड़े करते नजर आ। घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। पुलिस ने भटवालिया चौराहे पर हूटर का प्रयोग करते हुए जा रही एक स्कॉर्पियो को रोका, इसके बाद उसके हूटर को उतरवाने लगे, जिसके बाद वाहन में बैठे लोगों ने विरोध जताया और कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह को सूचना दी। दूसरे वाहन से आगे जा रहे कांग्रेस नेता वापस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले कारण जानने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने सरकार के निर्देश का अनुपालन करने की बात कही। इसके बाद वाहन से हूटर को हटवा दिया गया। हालांकि इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस से ही आरसी दिखाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी आईईडी एक्सपर्ट्स थे। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। सोपोर के हादीपुरा गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद इलाके को घेरा गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान से भेजे गए थे। ऑपरेशंस, कॉशियस सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं, बट इस ऑपरेशन में हम लोगों ने जो है 2 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की टुकड़ियां जो वहां पे तैनात थी उन्होंने। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले में गिरफ्तार आतंकी से अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक हकमदीन ने महज 6,000 रुपए के लालच में आतंकियों की मदद की। हुकमुद्दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि हुकमुद्दीन ने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी बल्कि घटनास्थल तक पहुंचाने में उनके लिए गाइड का भी काम किया। TV9 भारत वर्ष ने हुकमुद्दीन से कई सवाल पूछे लेकिन वो खामोश रहा। दिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया तुमने? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को चंद पैसे के लिए तुमने ये सब किया?
तो ये। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकी 9 लोगों की हत्या में शामिल थे। वहीं रियासी पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही उन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक 150 संदिग्धों से पूछताछ की। इसका नाम बता पाएंगी कि कौन था ये, क्या कुछ ये बता रहा है? इसका नाम है हाकम दीन और ये बंदराही इलाके का रहने वाला है जो कि जिला रजौरी में पड़ता है। मैम क्या बता रहा है कि किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया गया और क्या कुछ इसने आतंकियों की मदद की? इसने उनको पनाह देने का काम किया, उनको खाना देने का काम किया और उनका गाइड का काम किया। इस प्लेस पे जहाँ पे उन्होंने अपने इस नापाक इरादे को अंजाम दिया वहाँ तक ये उनको लेकर आया है। फायरिंग बंद हुई है, उसके बाद उनको वहाँ से निकालने के लिए भी इसने उनकी मदद की। और बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। नालंदा में बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े स्कूल परिसर में घुसकर प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार को गोली मार दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। फौरन घायल प्रधानाध्यापक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज चल रहा है। मामला एंगरसराय प्रखंड अंतर्गत तेल्हाड़ा हाई स्कूल का है। तेल्हाड़ा हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हिलसर DSP 2 गोपाल कृष्ण ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कुल 4 बदमाशों की इसमें भूमिका सामने आई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को गोली का छर्रा लगा है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। यूपी के सीतापुर में SDM और अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भूमि संबंधी मामले का तुरंत निपटारा किए जाने के निर्देश के बाद न्यायालय में सुनवाई करने बैठी SDM से अधिवक्ताओं से तीखी नोकझोंक हुई। अधिवक्ता SDM द्वारा त्वरित मामले बिना अधिवक्ताओं के सुने जाने का विरोध कर रहे थे। बताया जाता है कि अधिवक्ता अपने एक साथी की भूमि पर हुई 145 की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो SDM भड़क गई और इस बीच दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। और मुंबई के मलाड में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में मिली इंसानी उंगली किसकी थी, इस गुत्थी को मुंबई पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आइसक्रीम पुणे की इंद्रपुर आइसक्रीम फैक्ट्री में बनी थी। छानबीन के दौरान पता चला कि फॉर्च्यून डेयरी फैक्ट्री में काम करते वक्त 24 साल के ओमकार पोटे की उंगली कट गई थी। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने पोटे के DNA नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। इससे पहले पुलिस ने यमी आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के एक MBBS डॉक्टर ने 12 जून को Zepto ऐप के जरिए ऑनलाइन आइसक्रीम कोन मंगाई थी। मुंबई पुलिस फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल की बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रियता से काम कर रहा है। 20 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। बिहार सरकार राज्य में हृदय की बीमारी से ग्रसित बच्चों की सहायता के लिए बाल हृदय योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत दिल से संबंधित पीड़ित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा प्रदान की जाती है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में अभियान चलाकर बच्चों को उचित इलाज मुहैया कराने के लिए चिन्हित किया जाता है। इस बार दिल की बीमारी से ग्रसित बच्चों को फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद भेजा गया है, जहां सत्य साइन हृदय अस्पताल में बच्चों का ऑपरेशन होगा। इन बच्चों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। बाल हृदय योजना में जन्म लेकर 18 साल तक के बाल हृदय रोगियों का निशुल्क इलाज होता है। इंदौर में एक नाबालिग बेटी ने अपने पिता को लिवर दान करने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लीवर की बीमारी से घिरे शिव नारायण बाथम को डोनर नहीं मिल रहा है और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पिता की जान बचाने के लिए उसकी नाबालिग बेटी सामने आई, लेकिन डॉक्टरों ने 17 साल 10 महीने की प्रीति का लीवर लेने से इनकार कर दिया है। प्रीति की उम्र मानक से 2 महीने कम पड़ रही है। हाईकोर्ट आज फैसला करेगा कि वो शिव नारायण बाथम को लीवर डोनेट कर सकती है या नहीं, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड है वो नाबालिग को डोनर नहीं मानता है जब तक कि वो बालिग नहीं हो। इसलिए मेरे द्वारा यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आग ने एक बार फिर से जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल आग बुझाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
राजौरी और पुंछ के कई जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग कई एकड़ वन भूमि तक फैल गई है। इसके चलते बड़ी संख्या में पौधों और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी के पश्चिमी क्षेत्र के वन संरक्षक का कहना है कि तापमान बढ़ रहा है, इसलिए जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। औसतन रोजाना 8 से 10 आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। राजौरी में इस साल ऐसी 80 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। फायर ब्रिगेड के साथ साथ दूसरी टीमों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया और उनकी देखरेख में आग बुझाने का काम किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में एक यूट्यूबर ने शर्मनाक हरकत कर दी। यूट्यूबर ने खुलेआम बियर बांटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस के शिकंजा कसते ही यूट्यूबर खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस से माफी मांगते हुए बियर बांटने वाले वीडियो डिलीट किए। बियर का सारा लिया था और वो ट्राई क्षेत्र में आता है, मेरे को इस चीज का मालूम नहीं था और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुँची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। पुलिस ने युवक का पुलिस एक्ट में चालान कर आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी जानलेवा बन चुकी है। दिल्ली में भीषण गर्मी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली नोएडा में गर्मी के कारण लू और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी में 24 घंटे सीनियर डॉक्टर मौजूद रहें। वहीं यूपी में भी गर्मी की वजह से 44 लोगों की जान चली गई। और भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में लोग दम तोड़ने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना के बाद पहली बार निगम बोध घाट पर शवों की कतारें लगने लगी। निगम बोध घाट के मैनेजर अवधेश शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से बताया कि यूं तो घाट पर रोजाना 40 से 50 शव आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई। कल रिकॉर्ड 95 शवों का दाह संस्कार हुआ, जिसमें बुजुर्गों के शवों की संख्या अधिक थी। ये दागलोनी में जब गए तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने शव जल रहे थे कि जो बीच की बाउंड्री होती है, जो मतलब बीच की जो पटरी होती है, उस पर भी शव जल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जगह नहीं है। आलम यह कि घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। ऐसा कोरोना महामारी के दौर के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी के बीच कहीं पानी की किल्लत तो कहीं बिजली की कटौती से जनता बेहाल है। नरेला में एक ऐसी सरकारी कॉलोनी है जहां 48 साल बाद भी बिजली की सुविधा नहीं है। दिल्ली के सबसे गर्म क्षेत्र में नरेला का राजापुर कला कॉलोनी, जहां 1976 में 20 सूत्री योजना के तहत लोगों को प्लॉट्स आवंटित किए गए थे, आज भी ये कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। भीषण गर्मी में भी यहां के लोग बगैर बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। 1976 से है और उस दिन से पानी लाइट कुछ भी नहीं है यहां पे। लेकिन आप ये मकान तो बनवा लिए? मकान तो बना लिया, लेकिन मैं सोलर के हिसाब से बनाया कि सोलर लगा देंगे, पानी वानी आ जाएगा, उसी से है बस। और दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। दिल्ली में जल संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में जारी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की हीट वेव की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हीट वेव के कहर को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है।
यूपी में प्रचंड गर्मी के कारण अस्पतालों में एकाएक बुखार, चक्कर और सिर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कई मरीज इतनी गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं कि उनको तुरंत एडमिट तक करना पड़ रहा है। यूपी के चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर और मैनपुरी समेत 8 जिलों में गर्मी से 44 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। 24 घंटे में सिर्फ नोएडा में हीट वेव और लू के चलते 14 लोगों की मौत की आशंका है। हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का पता करने को कहा है। और असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में पिछले कई घंटों से जोरदार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से कई लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार अभी तक बाढ़ के चलते 26 लोगों की राज्य में मौत हो गई है। बाढ़ के चलते राज्य में जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। कई जिलों में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है और लोग शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हैं। करीमगंज जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार की तरफ से बचाव और राहत पहुँचाई जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरी सहायता के साथ साथ अनाज और बाकी चीजें पहुँचाई जा रही है। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से चुंगथांग और मंगन में फंसे बाकी सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी के साथ मंगन में जारी बचाव अभियान खत्म हो गया। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग और मंगन में फंसे पर्यटकों को निकालने में पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, GREF, BRO, NDRF, SDRF और ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के साथ स्वयंसेवक ने 3 दिन तक ऑपरेशन चलाया। तीसरे और अंतिम दिन बुधवार को 158 पर्यटकों को मंगन क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के मुताबिक 3 दिनों में कुल 1447 पर्यटकों को बचाया गया। फिलहाल चुंगथांग में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का आभार जताया है। और T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के सामने आज अफगानिस्तान की चुनौती है। मुकाबला आज रात 8 बजे से किंगस्टन ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में 4 में 3 मैच जीते थे और 1 मैच बारिश में धुल गया था। वहीं अफगानिस्तान ने लीग चरण में 3 मुकाबले जीते और 4थे मैच में उसे वेस्टइंडीज के हाथों 104 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। अगर देखें तो T20 विश्व कप के 9वें एडिशन में किंग कोहली का बल्ला अब तक काफी खामोशी रहा है। कोहली इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन मौजूदा एडिशन में 3 मैचों में उन्होंने केवल 5 ही रन बनाए हैं। हालांकि T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट का शानदार रिकॉर्ड रहा है और वो इस मैच में फॉर्म में वापस लौट सकते हैं। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत। जहरीली शराब के सेवन से कई लोग बीमार, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की घटना। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी राज में पेपर माफिया हर परीक्षा में धांधली कर रहे हैं, कोर्ट की निगरानी में धांधली की जांच होनी चाहिए।